अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं पूरे पंडाल को जिंदाबाद के नारों से गूंजता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा साथ देंगे। AIMIM पार्टी, जोर से पूरे उत्साह के साथ, AIMIM पार्टी, AIMIM पार्टी जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हाजी शौकत अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हस्ती है अपनी ऐसी मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी मिटती नहीं किसी से, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। आज MIM पार्टी के सम्मेलन में MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ता, देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। MIM पार्टी के इतने बड़े और महत्वपूर्ण सम्मेलन में जिम्मेदार नेताओं के बीच मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का मौका देने के लिए मैं सबसे पहले MIM पार्टी हाई कमान का शुक्रिया अदा करती हूँ और जिला अध्यक्ष इंतजार अंसारी का और मोहम्मद खालिद का शुक्रिया अदा करती हूँ दिल की गहराइयों से। मुजफ्फरनगर क्षेत्र के कोने कोने से MIM पार्टी को आशीर्वाद देने आए देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, MIM पार्टी की ये सिपाही सबा चौधरी आप सबका इस्तकबाल करती है, आप सबको नमन करती है। मुजफ्फरनगर की इस पावन धरती पर आपसे रूबरू होने का पहली बार मौका मिल रहा है तो मेरी कैफियत तकरीबन कुछ ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो इन्हें एहतराम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो इन्हें एहतराम करूं, जरा नजर जो मिले फिर इन्हें सलाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर इन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे देश को आजाद हुई आज तकरीबन 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में भारतीय राजनीति में अनेकों उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर भूमि अधिग्रहण, नोटबंदी और NRC जैसे काले कानून बनाकर देश के अमीर उद्योगपति लोगों को करोड़ों अरबों रुपयों का मुनाफा पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलित समाज के लोगों, यहाँ तक के नौजवानों के हाथों से रोजी रोटी तक छीनकर उन्हें भूखा मरने पर मजबूर कर दिया गया है। गांव में रहने वाले गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलित समाज के लोगों को गरीबी की बोझ से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। सरकार अपनी असफलता और नाकामयाबी पर पर्दा डालने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काकर मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। एक वो भी समय था जब हिंदुस्तान को देवों की भूमि की संज्ञा दी जाती थी, इसलिए नहीं कि यहाँ पर देवताओं का वास था, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम और मेल मिलाप का एक अटूट संगम था जो किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता। सदियों से साथ साथ रहते आए हिंदू और मुसलमानों को धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रची जा रही है। ये जाति धर्म बोलियां बने नशूल राह के, ये जाति धर्म बोलियां बने नशूल राह के, पढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की राह की। जिस सरकार को गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, खास करके दलित समाज के लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, दिया था या नहीं दिया था, जवाब दीजिए। एग्री है?
आज वही गरीब मजदूर किसान खास करके दलित समाज के लोग इस सरकार के जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। और सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मैं पूछना चाहती हूं कि जिस सरकार में हर महीने 1000 गरीब मजदूर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा हो, क्या ये है अच्छे दिन? जवाब दीजिए, क्या ये है अच्छे दिन? पुलिस प्रशासन के साथियों से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके थोड़ा प्यार के साथ ये गैलरी खाली करा दें। अगर मेरी आवाज जा रही हो तो प्रशासन के जो साथी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बीच की जो गैलरी है थोड़ा सहयोग करके मोहब्बत के साथ इसको थोड़ा खाली करा दें। जी बोलिए। जिस सरकार में गरीबों किसानों के बच्चे इलाज ना मिलने के कारण बेमौत मारे जा रहे हो, क्या ये है अच्छे दिन? बोलिए, क्या ये है अच्छे दिन? और जो सरकार चुनाव के दौरान हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा करती है, और सरकार हमारे बीच डॉक्टर मेहताब चौहान साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप लोग तालियों के साथ स्वागत करिए। उत्तर प्रदेश के पश्चिम प्रभारी जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, आप लोग एक बार फिर से एक नारे के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर मेहताब चौहान, जोर से डॉक्टर मेहताब चौहान। भाई पीछे नहीं, आगे आ चुके हैं डॉक्टर साहब, आप लोग पीछे ना देखें, डॉक्टर साहब आगे आ चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डॉक्टर मेहताब चौहान जी, शुरू करें। जो सरकार चुनाव के दौरान हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा करती है, और चुनाव में आने के बाद नौजवानों को नौकरी के हाथ घोर निराशा मिली हो, क्या ये है अच्छे दिन? और जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करती थी, आज उसमें एक सांसद तक का घर सुरक्षित नहीं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या इसीलिए वोट दिया था? क्या यही है अच्छे दिन? और जिस सरकार में कोरोना महामारी के दौरान मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार जानवरों से भी बदतर तरीके से किया गया हो, क्या ये है अच्छे दिन? आज जो भी कुछ हमारे देश में हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। एक वो भी समय था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी जाती थी। आप तमाम हजरात के लिए खुशखबरी आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर की सर जमी पर आ चुके हैं, आप लोग एक नारे के साथ उनका स्वागत कीजिए। वो आने वाले बहुत जल्द हमारे बीच होंगे, मुजफ्फरनगर की इस मोहब्बत नगर की धरती पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं, आप लोग एक नारा लगाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन आज हमारे भारत की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है कि देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोजी रोटी भटके दर दर बने भिखारी से। और आप सब यहाँ इतनी तादाद में मौजूद हैं, तो मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बनिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपको इंसाफ दिलाएगी। और इस बार सही निर्णय लेकर आप अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका एक सही वोट आपके फ्यूचर सेफ कर सकता है, और आपका एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी तबाह में बर्बाद कर सकता है। इसलिए सही सवाल कीजिए, सही मुद्दा उठाइए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों का है, और हर उस व्यक्ति का है जो अपना काम पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ करता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सम्मानित नेताओं से कहना चाहती हूँ कि हमारे किसान भाइयों को शिकायत इस बात की नहीं है कि आपके अमीर व्यापारी अनाज फल सब्जी निर्यात करके करोड़ों अरबों रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं। अगर हमें शिकायत है तो वो इस बात की है कि आखिर क्यों धरती का सिरना चीर कर जो साथी अभी फसल उगाने वाले किसान को भी आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा हो।
ठीक है। और आज अगर मेरी आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है तो ये हिंदुस्तान की बेटी किसानों की आवाज आप तक पहुंचाना चाहती है। हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि आखिर आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है मेरे देश के प्रधान को। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं नहीं मैडम, अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जिक्सान में दो लाइन अर्ज करती हूँ। लखते जिगर ओवैसी जी पर हम जान निछावर कर देंगे, लखते जिगर ओवैसी जी पर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। बहुत को बहुत को बहुत को बहुत अच्छे। अभी मोहतरमा हमारे बीच थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।